दोस्तों आइए आपको बताते हैं जेट प्रभजोत को लेकर आई नई अपडेट में क्या क्या निकल कर सामने आया है। बताएंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले आप उनके लिए प्रे जरूर कीजिएगा। दरअसल आपको बता दें कि फिलहाल सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। एक तरफ सुपर खालसा जो इन सभी की क्लास लगाने में तुले हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा भी दिखाया गया है कि जट भाई को 2 साल की सजा हो गई है। हालांकि आपको बता दें कि फिलहाल नेपाल का रूल यही कहता है कि अगले मरने वाले बंदे को 5 लाख रुपए या फिर जिसने ये दुर्घटना की है उसे 2 से 3 साल की सजा मिले। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल जट भाई को लेकर ऐसा कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने नहीं आया है। तो प्लीज जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आता है तब तक आप लोग इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। वहीं जट भाई की नई अपडेट में सामने आया है कि उनकी कंडीशन पहले से थोड़ी अच्छी बताई जा रही है। हालांकि फिलहाल जट भाई सही से चल नहीं पाएंगे, लेकिन शायद वह जल्द ही बाइक दोबारा चला लें क्योंकि उनका पैरों का ऑपरेशन हो चुका है सक्सेसफुली। आखिर में आप लोग जट भाई के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।